अभी गैस मैं आपको बताने वाला हूँ अमेजोन पे बैलेंस को किस तरह से आप लोग बैंक में ले सकते हो, वो भी काफ़ी आसानी के साथ। काफ़ी लोगों को पता होते हैं गैस अमेजोन पे बैलेंस को किस तरह से बैंक में लिया जाता है, बट काफ़ी लोगों को पता नहीं होते। तो आज की इस वीडियो में आपको स्टेप बाय स्टेप जानकारी देने वाला हूँ अमेजोन पे बैलेंस को किस तरह से आप बैंक के अकाउंट में ले सकते हो, वो भी काफ़ी आसानी के साथ। क्योंकि काफ़ी सारे लोगों को कैशबैक वगैरह मिलते हैं, काफ़ी लोग अमेजोन पे में बैलेंस सेट करते हैं, तो ऐसे में काफ़ी लोगों को पता नहीं है बैंक में किस तरह से वो बैलेंस लेना है। ओके, चाहे आप किसी भी मेथड से ऐड करें बैंक में पैसे, बट काफ़ी लोगों को पता नहीं है। तो आज की इस वीडियो में आपको फुल सोल्यूशन देने वाला हूँ, तो इस वीडियो को आपको लास्ट तक वॉच करना है, तभी गैस आपको समझ में आएंगे। तो चलिए गैस मोबाइल की स्क्रीन पे आपको लेके चलते हो। जैसे कि दोस्तों देख सकते हो, फिलहाल मैं अभी अपने मोबाइल की स्क्रीन पे आ चुका हूँ और अमेजोन एप्लीकेशन को ओपन करके रखा हो। आप लोग भी अमेजोन एप्लीकेशन को ओपन कर लीजिएगा। उसके बाद आप लोग देख सकते हो यहाँ पर चार ऑप्शन दिया गया है, अमेजोन पे, सेंड मनी, स्कैन यानी QR कोड, पे बिल। ओके, तो यहाँ पर भी क्लिक करके जा सकते हो और नीचे थ्री डॉट में क्लिक करके भी आप अपने अकाउंट में जा सकते हो, जहाँ से पैसे को आप बैंक में ट्रांसफ़र करेंगे। ओके, अमेजोन पे बैलेंस को, तो अभी अमेजोन पे बैलेंस को ट्रांसफ़र करने के लिए आपको सिंपली दोस्तों क्या करना है, अमेजोन पे में क्लिक करना है। ओके, और मैं आपको एक बात कहना चाहता हूँ, इस वीडियो को दोस्तों फास्ट से लेके अंत तक देखना है, थोड़ा भी स्किप नहीं करना है। अगर स्किप करेंगे बाद में बोलेंगे भाई मेरा काम हुआ नहीं, ओके, तो ऐसा बिल्कुल होना नहीं चाहिए, स्किप नहीं करना चाहिए, एंड तक वॉच करना है इस वीडियो को। ओके गाइस, और लास्ट में आपको कुछ स्पेशल बातें भी बताऊंगा जो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होंगे। चलिए दोस्तों अमेजोन पे में क्लिक करते हैं। जैसे गाइस आप अमेजोन पे में क्लिक करेंगे, आपके सन में आपका जो भी अमेजोन पे का जो वॉलेट है वो ओपन हो जाएगा। जैसे कि देख सकते हो मैं कितना रुपया अभी तक कमा चुका हूँ कैशबैक की थ्रू अमेजोन से, वो यहाँ पर दिखाएगा। फिलहाल अभी 0-0 है क्योंकि मेरे इधर कोई भी बैलेंस नहीं है। ओके, लेकिन आपकी अकाउंट में इधर बैलेंस जरूर होंगे क्योंकि आपको कैशबैक मिले हैं ना, तो वो बैलेंस आपको इधर जरूर दिखेगा। ठीक है गाइस, आपकी अगर अमेजोन पे में बैलेंस है तो आप क्या क्या फ़ायदा उठा सकते हो, क्या क्या लाभ उठा सकते हो अमेजोन पे बैलेंस का। ओके, जैसे कि आप बैंक में ले सकते हो, क्या नहीं ले सकते वो भी बताऊंगा, आप क्या क्या कर सकते हो, क्या क्या नहीं कर सकते हो डिटेल में बताने वाला। ओके गाइज, सबसे पहले कहना चाहता हूँ अमेजोन पे UPI का एक ऑप्शन आपको दिख रहा है ऊपर कोने में, यहाँ पर मैं अपनी बैंक अकाउंट को लिंक कर चुका हूँ पहले ही। ओके, आप चाहे तो लिंक कर सकते हो इस ऑप्शन में क्लिक करके। जैसे कि मैं क्लिक किया हूँ, देख सकते हो मेरा बैंक अकाउंट फिलहाल अभी इधर लिंक हो चुका है। जैसे कि स्क्रीन पर देख सकते हो पहले से मैं ऐड करके रखा हूँ मेरा बैंक। ओके, मेरा स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है, फिलहाल अभी इधर लिंक है, आप चाहे तो ऐड कर सकते हो आपका कोई भी बैंक हो। ओके, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो इधर से आप अपनी बैंक अकाउंट को लिंक करके काफ़ी कुछ लाभ उठा सकते हो। ठीक है, आप किसी को पैसे भेज सकते हो या फिर कहीं से पैसे आते वो भी देख सकते हो, पे वगैरह कर सकते हो, बहुत कुछ कर सकते हो बैंक अकाउंट अगर इधर आप ऐड करते हो तो। ओके, चलिए बैक करते हैं दोस्तों अभी, और भी गाइस बात कर लेते हैं यहाँ पर देख सकते हो बैंक अकाउंट लिंक होने के बाद क्या क्या फ़ायदा होते हैं। ठीक है, जैसे कि स्कैन करके आप किसी को पे कर सकते हो, डीटीएच का रिचार्ज कर सकते हो, गूगल प्ले में आप बैलेंस को काम पे लगा सकते हो, जैसे कि कुछ चीज़ अगर बाय करना है तो वो चीज़ बाय कर सकते हो गूगल प्ले से, चाहे तो आप बैंक अकाउंट को लिंक करके उस बैलेंस से भी बाय कर सकते हो, रिचार्ज कर सकते हो, प्ले स्टोर में जाके कुछ चीज़ें बाय कर सकते हो, किसी को बैलेंस भेज सकते हो, वो भी कर सकते हो। ओके, और अगर आप चाहते हो विदाउट बैंक बैलेंस के ही जो अमेजोन पे बैलेंस में जो बैलेंस हमारा कैशबैक मिलते हैं उस पैसे से हम रिचार्ज करें, अपने बैंक में वो पैसे ले जाए तो अच्छा रहेगा, तो प्रोसेस में वो भी बता रहा हूँ। ठीक है, आप चाहे तो अमेजोन पे बैलेंस से इधर गाइस रिचार्ज कर सकते हो मोबाइल रिचार्ज में क्लिक करके। ठीक है, जैसे कि देख सकते हो यहाँ पर आपको मोबाइल नंबर एंटर करना है, आपको ऑपरेटर सेलेक्ट करना है, प्लान कितना आप लेना चाहेंगे वो डाल सकते हो, नहीं तो व्यू प्लान में क्लिक करके आप पे में क्लिक करके रिचार्ज कर सकते हो। ओके गाइस, चलिए दोस्तों अभी बैक करते हैं। बैक करने के बाद यहाँ पर गाइस आप गूगल प्ले में क्लिक करेंगे तो यहाँ पर भी आप पैसे को लगा सकते हो। ठीक है, कितने रुपया का आप कितना चीज़ खरीदेंगे क्या नहीं खरीदेंगे अमाउंट डाल के पे करना है, सिंपल सी बात है। ओके, बैक कर दिया हूँ। इधर गाइस आप इलेक्ट्रिक का जो बिल होते हैं यानी गाइस आपका जो बिजली का बिल होते हैं वो भी पे कर सकते हो इधर आके। ओके, अमेजोन पे बैलेंस की मदद से स्टेट वगैरह इधर सेलेक्ट करना है। ठीक है, आप इतना कर सकते हो। यहाँ पर आप फ्लाइट का टिकट भी बाय कर सकते हो, बस का टिकट ले सकते हो, ट्रेन का टिकट ले सकते हो, मूवी का टिकट ले सकते हो, गिफ्ट कार्ड में भी आप इस अमेजोन पे बैलेंस को ऐड कर सकते हो, यहाँ पर ऑप्शन दिया गया है जैसे कि देख सकते हो। ओके, और गाइस यहाँ पर काफ़ी सारे ऑप्शन आपको नीचे ऊपर देखने के लिए मिल जाएंगे, लेकिन गाइस अभी बात करते हैं किस तरह से आप अमेजोन पे बैलेंस को बैंक अकाउंट में ले सकते हो।
अमेजोन पे बैलेंस को बैंक अकाउंट में लेने के लिए आपको सिंपली क्या करना है, अमेजोन पे बैलेंस में क्लिक करना है। सेटअप में जैसे क्लिक करेंगे यहाँ पर गाइस आपको कुछ गाइडलाइन देखने के लिए मिलेंगे, ठीक है। जैसे कि मैं आपको कहना चाहता हूँ क्लियरली लिखा है अमेजोन पे बैलेंस को आप किस तरह से बैंक में ले सकते हो, वो प्रोसेस आपको करना पड़ेगा तभी आप अमेजोन पे बैलेंस को बैंक अकाउंट में ले सकते हो, नहीं तो अदरवाइज आप ऐड नहीं कर सकते हो। आपको इस वीडियो को अच्छी तरह से देखना है, ओके गाइस। सो गाइस जैसे कि देख सकते हो यहाँ पर साइन अप इन टू स्टेप यहाँ पर लिखा गया, इसमें अगर क्लिक करेंगे तो आपको इस तरह का एक पेज में रिडायरेक्ट कर दिया जाता है। चलिए बैक करते हैं, पहला स्टेप हम छोड़ दिए, सेकंड स्टेप आए जैसे कि इधर देख सकते हो, आप देख सकते हैं यूज बैलेंस टू स्टोर ऑल योर कैश बैक रिफाउंड अमेजोन पे गिफ्ट कार्ड अमेजोन पे आईसीसी बैंक क्रेडिट कार्ड रिवॉर्ड पॉइंट, ओके। यहाँ पर आईसीसी की बैंक के बारे में कहा गया है, बताया गया है अमेजोन पे बैलेंस के बारे में, आप किस तरह से रिफाउंड वगैरह ले सकते हो, ओके, और थोड़ा बहुत जानकारी दिया है। आप रीड करेंगे तो आप समझ जाएंगे, ओके, जैसे कि मैं आपको बता रहा हूँ थोड़ा थोड़ा शॉर्ट में, ओके। आप अगर रीड करेंगे तो आपको पता चल जाएगा, तो ज़्यादा मैं आपको अगर डिटेल में बताऊंगा तो वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगा, इसलिए मैं आपको शॉर्ट में बता रहा हूँ। यहाँ पर लिखा गया अमेजोन पे पे एट एनी स्टोर यूजिंग अमेजोन पे बैलेंस ऑल यू हैव टू डू इस स्कैन, इस तरह का कुछ यहाँ पर लिखा गया, ओके। आप स्कैन करके पे कर सकते हो बैलेंस को, यहाँ पर बताया गया, ओके। यहाँ पर भी कुछ बताया गया जैसे कि देख सकते हो ऐड मनी के बारे में कहा गया, आप किस तरह से बैलेंस ऐड करेंगे, किस तरह से आपको रिवार्ड वगैरह मिलेंगे, थोड़ा बहुत जानकारी इधर भी दिया गया। नीचे देख सकते हो प्रोटेक्टेड बाय अमेजोन सिक्योरिटी, ओके। आप अपने अकाउंट को किस तरह से सिक्योरिटी के हिसाब से रख सकते हो वो बताया गया इधर, जैसे कि देख सकते हो दोस्तों यहाँ पर देख सकते हो प्रोटेक्टेड बाय अमेजोन सिक्योरिटी, ओके। सिक्योरिटी के बारे में कहा गया है, आप चाहे तो रीड कर सकते हो। एडिशनल सिक्योरिटी के बारे में कहा गया, मतलब आपका सिक्योरिटी के बारे में इधर बताया गया, ओके। जैसे कि यहाँ पर कहा गया हाउ टू साइन अप, ओके, एंटर योर आइडेंटिफिकेशन डिटेल्स, ओके, वेरीफाई योर मोबाइल नंबर, स्टार्ट यूजिंग अमेजोन पे बैलेंस, ओके। यहाँ पर कहा गया आपको कुछ डिटेल्स डालना पड़ेगा, ओके, आप इतना कर सकते हो। साइन अप इन टू स्टेप जैसे कि नीचे लिखा गया, आप देख सकते हो जैसे कि यहाँ पर लिखा गया है क्वेश्चन, ओके। आप यहाँ पर कुछ रीड कर सकते हो, आर्टिकल एक छोटा सा यहाँ पर टेक्स्ट आपको देखने के लिए मिलेंगे, पेमेंट गेटवे के बारे में बताया गया है, ओके। यहाँ पर लिखा गया है जैसे कि देख सकते हो कैन आई ट्रांसफर अमेजोन पे बैलेंस मनी टू बैंक, ओके। यानी गाइस आप अपनी बैंक में क्या पैसे को ट्रांसफ़र कर सकते हो अमेजोन पे बैलेंस को, यस आप ट्रांसफ़र कर सकते हो। जैसे कि यहाँ पर लिखा गया आपको केवाईसी करना पड़ेगा उसके लिए, जैसे कि यस लिखा गया आप दे सकते हो, ओके। फुल केवाईसी कस्टमर को करना पड़ेगा यहाँ पर बताया गया, ओके। इफ़ यू रजिस्टर फॉर अमेजोन पे बैलेंस UPI, ओके, हैंडल करेगा, यानी आप अगर रजिस्टर करेंगे अमेजोन पे बैलेंस में अपना डिटेल्स वगैरह तो UPI हैंडल करेगा और UPI के थ्रू आप बैंक अकाउंट में पैसे को ट्रांसफ़र कर सकते हो। जैसे कि लिखा गया यू विल बी एबल टू ट्रांसफर एनी बैंक अकाउंट, ओके। यहाँ पर जैसे कि देख सकते हो रजिस्टर करने के लिए कहा गया अमेजोन पे बैलेंस में मनी जब भी आप लेंगे आप अपनी बैंक अकाउंट में, तो उसके लिए कुछ डिटेल प्रोवाइड करने के लिए कहा गया, जैसे कि दे सकते हो। यहाँ पर लिखा गया KYC के बारे में, नीचे की स्टेप की बात कर रहा हूँ, ठीक है। बैलेंस को अगर आप बैंक पे लेना चाहते हो तो क्या करना पड़ेगा, रजिस्टर करना पड़ेगा अमेजोन पे बैलेंस में, आपको सबसे पहले अकाउंट साथ में कुछ डिटेल्स प्रोवाइड करना पड़ेगा जैसे कि नीचे लिखा गया, ओके, देख सकते हो। और महीने में आप कितना ट्रांसफ़र कर सकते हो अप टू बैलेंस, ओके, मतलब जैसे कि ID वगैरह डिटेल्स वगैरह इधर एंटर करने के बाद, KYC वगैरह होने के बाद वो भी बताया गया, ठीक है। अपग्रेड योर अकाउंट टू फुल KYC, अपग्रेड करेंगे अगर फुल KYC तभी गाइस आप इस बैलेंस को ले सकते हो अमेजोन पे अकाउंट में, ठीक है। सिंपली आपको साइन अप इन टू स्टेप में क्लिक करना है, जैसे कि देख सकते हो मैं क्लिक किया हूँ। इस टॉपिक के ऊपर कुछ वीडियो मैं पहले बना चुका, फिर भी काफ़ी लोगों को समझ में नहीं आए, तो सोचा क्यों ना फिर से और एक दो वीडियो बना दिया जाए तो अच्छा रहेगा, तो इसलिए फिर से ये वीडियो में लाया हूँ आपके लिए, ओके। ऊपर लिखा गया जैसे कि देख सकते हो प्लीज़ वेरीफाई योर डिटेल टू कंटिन्यू, ओके। यहाँ पर जैसे कि देख सकते हो मनी ऐड करने के लिए कहा गया, किस तरह से मनी लेने, किस तरह से नहीं मिलेगा बताया गया, प्रोवाइड योर आइडेंटिफिकेशन डिटेल्स एंड इन्जॉय, ओके। अब 10,000 तक यानी 10K तक मंथली लिमिट है, जैसे कि देख सकते हो इंडियन रुपीस में 10K तक लिमिट है यहाँ पर बताया गया है, ठीक है। और नीचे देख सकते हो आप अपना नाम यहाँ पर देख सकते हो, एडिट में क्लिक करके आप अपना नेम भी चेंज कर सकते हो, जैसे कि मैं आपको दिखाना चाहूँगा। यहाँ पर आपका फ़ोन नंबर होंगे, आपका नेम होंगे, आप चाहे तो चेंजिंग कर सकते हो इधर से, ठीक है। चलिए बैक करते, उसके बाद आप अपने मोबाइल नंबर को भी एडिट कर सकते हो एडिट में क्लिक करके इधर से, ठीक है गाइस। तो फिलहाल ये सब मैं कुछ चेंजिंग नहीं करूँगा, आप चाहे तो एडिट कर सकते हो इधर से, ओके गाइस। आपके फ़ोन में OTP आएंगे, वो सब डालना है, ठीक है, ये सब मैं नहीं करूँगा, अभी बैक कर रहा हूँ मैं। उसके बाद देखिए ऑफिशियल वैलिड डॉक्यूमेंट्स ID यहाँ पर बताया गया, ठीक है। जैसे कि आपको यहाँ पर एक
ऑफिशियल आईडी प्रूफ सेलेक्ट करके उसका आईडी नंबर एंटर करना पड़ेगा। वो कैसे करेंगे चलिए बताते, देख सकते हो यहाँ पर सेलेक्ट में क्लिक किया हो तो यहाँ पर पैन कार्ड के बारे में कहा गया, पासपोर्ट के बारे में कहा गया, वोटर आईडी के बारे में कहा गया, ड्राइविंग लाइसेंस के बारे में भी कहा गया। ओके तो चलिए गाइस मैं यहाँ पर वोटर आईडी को सिलेक्ट कर लेता हूँ। ठीक है, वोटर आईडी को सिलेक्ट कर लिया। यहाँ पर मैं अभी क्या करूँगा, अपना जो भी वोटर आईडी कार्ड का नंबर है वो एंटर करूँगा यहाँ पर। ठीक है, तो चलिए वोटर आईडी कार्ड का नंबर यहाँ पर एंटर करते हैं जल्दी से। जैसे कि दोस्तों देख सकते हो वोटर आईडी कार्ड का नंबर मैं ऐड कर दिया इधर। ओके, अभी गाइस कंटिन्यू करना पड़ेगा, चलिए कंटिन्यू करते हैं। जैसे गाइस मैं वोटर आईडी कार्ड का नंबर एंटर किया हो तो मेरे सामने इस तरह का कुछ प्रोसेस आया, जैसे कि देख सकते हो। ओके, ऑलरेडी मैं केवाईसी पहले कर चुका हूँ इसलिए मैं दोबारा केवाईसी नहीं कर सकता हूँ, नहीं तो दिक्कत हो जाएगा, एक ही अकाउंट में दो दो बार केवाईसी नहीं हो पाता है। ओके, दिक्कत होगा तो मैं आपको कह देता हूँ आपके सामने क्या क्या स्टेप आएंगे इस स्टेप के बाद। ओके, तो देखिए यहाँ पर वेरिफिकेशन होगा, आपका मोबाइल नंबर यानी सिम सेलेक्ट करने के लिए कहा गया है, सिम सेलेक्ट करने के बाद प्रोसीड करना है, उसके बाद ओटीपी वगैरह आएंगे वो फिल करना है। ओके, और वोटर आईडी कार्ड का नंबर तो ऑलरेडी मैं डाल चुका हूँ। ओके गाइस, यहाँ पर आपको वही सिम सेलेक्ट करना है जिस मोबाइल नंबर से आपने अमेजोन पे बैलेंस में अकाउंट ओपन किए और जो मोबाइल नंबर आपकी बैंक अकाउंट में ऐड है वही मोबाइल नंबर से आपको रजिस्टर करना पड़ेगा, यहाँ पर आपको ध्यान रखना है। ठीक है, दूसरा नंबर करेंगे तो नहीं होगा, इसी में आपको इस बात का ध्यान रखना है। ओके, उसके बाद जैसे ओटीपी वगैरह डालेंगे, थोड़ा बहुत ओटीपी आएंगे सबमिट करेंगे, उसके बाद आपका जो गाइस वोटर आईडी कार्ड का जो डॉक्यूमेंट्स है वो भी लिंक हो जाएंगे, आपका मोबाइल नंबर भी लिंक हो जाएंगे, आपका बैंक अकाउंट तो आपको पहले लिंक करना पड़ेगा। ओके, वो मैं बता चुका हूँ कैसे लिंक करना है बैंक अकाउंट। तो ये सब करने के बाद आप हर महीने 10,000 तक ले सकते हो अमेजोन पे बैलेंस को अपनी बैंक अकाउंट में। ओके, मैं आपको यहाँ पर फुल प्रोसेस नहीं बता पाया क्योंकि गाइस ऑलरेडी मैं पहले केवाईसी कर चुका हूँ इसलिए दोबारा मैं नहीं कर सकता हूँ, मैं आपको प्रोसेस बता दिया हूँ, आप इस तरह से केवाईसी कर सकते हो। गाइस कैसा लगा आज का वीडियो, मैं उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आए होंगे, वीडियो पसंद आते हैं लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को ऑन करके ऑल पे क्लिक करें। मैं इसी तरह का कंटेंट जानकारी वीडियो आप लोगों के लिए रोजाना लाते रहता हूँ, ऐसे में सब्सक्राइब करेंगे आने वाले समय में आप काफ़ी कुछ जानकारी चैनल के ऊपर देखने के लिए मिलेंगे। तो गाइस अभी के लिए गुड बाय।